भाइयों क्या हाल चाल है। वॉक पे निकले थे हम बाहर और वॉक कर रहे थे हीमा विक्रम हम सभी, और यहाँ पे एक घर सेल पे लगा हुआ मेरे घर के पीछे वाली स्ट्रीट में। मेरे पास अगर रहने आना हो तो ये घर देख लो, ठीक। अंदर चलेंगे और थोड़ा सा देख के बताते हैं आपको कैसा घर है। मैं देख चुका हूँ यहाँ पे पहले, रेंट पे एक दिया हुआ था, रेंट पे रह रहे थे लोग काफी सारे, बट अभी जस्ट थोड़ा सा आई थिंक ये वापस से इन्हें चेक करके वापस सेल पे डाल दिया आई थिंक ओनर ने। विल हैव अ क्विक लुक जस्ट सी कि कैसा है घर अंदर से, कितना प्राइस है, कितना लैंड है, क्या नहीं, और आइडिया लगाते आपको देते मेरे घर के पीछे वाली गली में कितने का मिल रहा है, ठीक है। हाँ भाई, घर के बारे में पूछ इसलिए अपन ने ये 375 स्क्वायर मीटर लैंड में बना हुआ है, 4 बेडरूम हाउस है और अभी तक रेंट पे था और अब ओनर बेच रहा है और वापस रेंट पे जाएगा। तीन साल पुराना कुछ घर है और चल से अभी आके इनसे पूछेंगे इसका रेंटल भी कितना मिलता वगैरह, पर दिखा देते हैं आपको। जैसे मेरे घर की तरह यहाँ पे डबल गैराज है आपका, ये फ्रंट में थोड़ा सा पोर्च बना हुआ है। अब अपन चलते हैं यहाँ से एंट्री मारते हैं। ये गाय भाई एंट्री ले रहे हैं, ये वाला घर ले रहा है क्या तू भाई? अबे ले ले यार, ये मास्टर बेडरूम है फ्रंट में, ठीक है, मेरे बेडरूम से थोड़ा छोटा है, छोटा अटैच टॉयलेट है, बाथरूम मास्टर का जो ऑन स्वीट है, वॉक इन रोब है, डिसेंट साइज है, हल्का सा छोटा पर ठीक है। आगे आए अपन, लेफ्ट हैंड साइड में अपना आ गया डाइनिंग रूम, ठीक है, ये अपना गैराज का एक्सेस, इधर से वापस डबल गैराज, और आगे आए अपन, ये आपका हो गया किचन, ठीक है बढ़िया, किचन के साथ में आपका फैमिली एरिया हो गया, तो एक फॉर्मल एरिया इधर हो गया, एक फॉर्मल एरिया इधर हो गया अपना फैमिली वाला, किचन के साथ में वहाँ फ्रिज रख सकते हो, छोटी सी पेंट्री है, ठीक है। इधर बचे हुए 3 बेडरूम होंगे क्योंकि अभी तक अपन ने एक ही देखा है। ये रहा सेकंड बेडरूम, यहाँ पे बिल्ट इन वार्डरोब से अच्छा बना हुआ है, ठीक है। इधर आगे जाएंगे अपन, और ये इधर बाथरूम है, टॉयलेट है, लॉन्ड्री है, ठीक है, और बचे हुए 2 बेडरूम। इधर रहा थर्ड बेडरूम, ये 4th बेडरूम है दोस्तों, ठीक है। LED वगैरह नहीं लगी रूम से, नॉर्मल लाइट लगी हुई है, यहाँ भी नॉर्मल लाइट लगी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही बनाया था किसी ने, फिर भी बिल्डर अच्छा है, बर्बैंक बिल्डर, हाँ बर्बैंक ने बनाया, मतलब ये बेसिक घर है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बना हुआ, कहीं भी LED लाइट वगैरह नहीं, एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, सब बेसिक लगाया हुआ यहाँ पे। जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें एक्स्ट्रा एकदम बढ़िया वाली चीजें लगाने की जरूरत नहीं होती, मैं देख के बता सकता हूँ, टैप, ये गैस, सब कुछ थोड़ा सा चीप क्वालिटी का लगा हुआ है। पर यार देखो, रेंट तो उसको उतना ही मिलना है, 4 बेडरूम के लिए रेंट मिलेगा, इक्विपमेंट्स लगे उसके लिए तो मिलेगा नहीं, और ऐसी प्रॉपर्टी खरीदोगे तो सस्ती मिल जाएगी आपको, मतलब बनाओगे तो सस्ती बन जाएगी आपकी, क्योंकि आपने एकदम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट नहीं लगाए। देखो अल्फ्रेस्को भी बना हुआ है और उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 4 मीटर बैक यार यार पीछे इनके, विच इज गुड। 375 स्क्वायर के लैंड में इन्होंने 4 बेडरूम बना दिए, उसके बावजूद मेरे घर से ज्यादा इन्होंने स्पेस छोड़ दिया, विच इज अमेजिंग। तो ठीक है, बाकी ठीक है, वुडन फ्लोर है इसमें, वुड वाला है, लैमिनेट फ्लोर लगी हुई है, घर बढ़िया, अच्छा सबर्ब है, सब कुछ है। अब पूछते हैं उनसे कि इसकी कीमत कितनी, पूछूंगा मैं अभी, अब उनसे उससे पूछते हैं इसकी कीमत कितनी और इस पे हमको रेंटल भी कितना अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा, आइडिया लगा कितना बोलेगा इस घर की कीमत, हाँ, रेंज बता, रेंज बोले, मैं बताता हूँ ना, हाँ, 680 ये बोलेगा 580 से 620। चल ठीक है, पूछ लेते हैं, आ जाओ भाई, आज मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए, इतने घर वाले वीडियो बनाए मैंने। सर हाउ मच इज दैट फॉर सेल फॉर? 620 to 680। ओके, alright, एंड हाउ मच वाज द रेंट यू वर गेटिंग ऑन दिस बिफोर? सो रेंट प्राइस नाउ वुड बी 480 to 500। ओके, 480 to 500। सो दिस बट मस्ट बी व्हाट, 3 टू 4 इयर्स ओल्ड? यस, बिल्ट 2019 एंड इट्स अ बर्बैंक होम। सो इज इट ऑन लाइक प्राइवेट सेल और समथिंग? ओके, यप, We can take an offer, sign a contract, and yeah, you rented, yeah. You don't know those. I think they were the Samui, the Islander people. Yeah, they were always out and about. Yeah. Yeah, it's the same house. It's always party going. That time it looked so small, but now it's, you know. Yeah, it's nice. I think they clean it up pretty well. It's sounds good. Alright, perfect. Thank you very much, Matt. Thanks for letting us see it as well. Take care, Matt. Have a good day. Alright. He's the one in the money. You don't speak. It's just like lend the check. हाँ दोस्तों, तो देख लिया ये प्रॉपर्टी, ये बोल रही थी 580 से 620, मैं बोल रहा था 580 और उसकी कीमत निकली 5। ओ भाई, हम दोनों की एज निकली, इसका 620, इन्हें 620 बोला था, मैंने 680 और उसकी रेंज निकली 620 से 680 के बीच में। सस्ते में लगे हुए, दैट्स प्रीटी गुड यार। हाँ इस रेंज में, तो मेरे को लग रहा था 4 बेडरूम है यार। हाँ तो दोस्तों, 4 बेडरूम घर 375 लैंड में बना हुआ, बर्बैंक बिल्डर का, गुड बिल्डर, बट अंदर इतने इंटीरियर अपग्रेड्स नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई गई थी ये प्रॉपर्टी। बट यार जिस हिसाब से नेहा, जिस हिसाब से 3 बेडरूम यहाँ पे 570 से 600 में जा रहे हैं, ये 4 बेडरूम फिर 620 से 680 के बीच में बड़ा बेकार नहीं है, प्लस इट्स अ बिगर लैंड, 375। मेरे घर के साइड वाला कितने का गया मालूम तेरे को?
It's a 350 square length, three bedroom house. It went for 570. और लेकिन कब गया ना? इस अभी, market की बात नहीं। अभी दो महीने पहले, एक महीने पहले, डेढ़ महीने पहले। हाँ तो 570 गया ना? तो ये तो लेकिन 570 तो 620 से 680 वाला। अरे four bedroom भी और बड़ा land भी तो है। तो मतलब मैंने कहा। It's a much bigger house than the other one. 680 के end। हाँ end पे नहीं जाएगा। Probably 650 पे सेटल हो जाएगा 630 probably 630-640 क्योंकि अगर इससे तुम कंपेयर करो तो फिर हमारे घर की कीमत तो 750 होनी चाहिए। हाँ वैसे है ही इतनी वैल्यू नहीं आ रही है ठीक है बट कहने का मेरा मतलब है और ज्यादा बेटर हमारा ओनर ऑक्यूपाइड एग्जैक्टली और हमने अपग्रेड्स भी ऐसे लगवाए ना तो दोस्तों ऐसे प्राइसेस होती है घरों की यहाँ पे होपफुली आपको आइडिया लगा होगा मेरे खुद के सबर्ब में मेलबर्न से 30 किलोमीटर वेस्ट साइड में टानिट सवर में जो हमारा घर है उसकी पीछे वाली गली में जो रहता हूँ वहाँ पे घर मिल रहा है भाई 375 लैंड में फोर बेडरूम बना हुआ अच्छा होता है फैमिली के लिए ठीक है और आपको पड़ेगा करीब मान के चलो 600 ही मान लो अगर आप 620 मान लो 630 मान लो तो मतलब आपको 3 करोड़ का पड़ेगा घर करीब चार बेडरूम छे का आपकी किस्त बनेगी आज के रेट के हिसाब से कोई नहीं नहीं 3,000 समझ लो बनेगी 3,000 ये और ये कह रहा है कि 480 से 500 पर वीक पे रेंट जा रहा है मतलब 2500 रेंट भी मिल जाएगा आपको 2200-2400 2100-2200 रेंट मिल जाएगा 700-800 अपनी जेब से डालोगे तो आपका घर इन्वेस्टमेंट के लिए और वो डिपेंड करता है आप कितना डिपॉजिट करते हो शुरू में ज्यादा डिपॉजिट कर दोगे तो बाद में कम डालना पड़ेगा ऐसा लेकिन इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना चाहिए जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उस पर टैक्स में बेनिफिट हो जाता आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होने से बहुत सारे ट्रिक्स है भाई उसके चलो अंधेरा हो गया भाई आज तो बहुत हो गया घूमना नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आप वॉक हमारी खत्म हो रही है होपफुली आपको घर देख के मजा आया होगा प्लीज मेरे दूसरे वीडियोस भी देखना मैंने इतनी सारी चीजें कवर कर रखी है उस पे आप हमेशा क्वेश्चन पूछते हो कि ये बताओ वो बताओ वो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ होता है तो प्लीज एक्सप्लोर माय चैनल और इस वीडियो में अभी मेरे को कमेंट करके बताओ आप हां सॉरी भाई तो कमेंट करके प्लीज बताना आपको वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में क्या देखना उसका भी आप कमेंट करके डालो मैं लिटरली आप जो डालोगे ना उसी पे वीडियो बना दूं बोलोगे ना जा भाई इन द मिडल ऑफ नोवेयर दरिया में जाके कूद जा मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूं आपके लिए ठीक है चलो कमेंट वगैरह कर देना सब्सक्राइब कर लेना अगर किया नहीं है तो और इसी तरह का मस्त मस्त कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों चलो बाय 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 बाय